हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोर टू आईआईटी। और आज हम लोग एक और बड़ी एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं, जेईई मेंस 2021 के अलावा। अगर कोई दो बड़ी एग्ज़ाम्स मानी जाती है तो वो है बिटसेट, जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए होती है, और एक होती है VITEEE, जो है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके चार कैंपस हैं, वेल्लोर, चेन्नई, AP और भोपाल में। तो इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत ही अच्छी कॉलेजेस है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। ये वीडियो में मैं पूरा डिटेल A to Z हर चीज़ मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो होगा थोड़ा लंबा, लेकिन आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा। और वीडियो को सबके साथ, जो जो लोग JEE मेंस दे रहे हैं वो सब यहाँ पे दे सकते हैं, सबके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे यहाँ पे ये पेज पे पहुँचना है। आपको सिंपली गूगल में जाके VITEEE 2021 एग्जाम ऐसा लिखोगे तो यही पेज आपका ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहले तो अगर आप न्यू यूज़र हो तब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आई गेस बाद में आता हूँ, पहले हम चलते हैं डिटेल्स के बारे में। ठीक है, देखो VIT एन इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखा है, NIRF रैंकिंग आप देख सकते हो, इट हैज़ बीन रैंक्ड अमंग टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री फॉर द फोर्थ टाइम कंसेक्यूटिवली इन इंजीनियरिंग। VIT हैज़ बीन रैंक्ड 15th इन इंडिया। ठीक है, मतलब कॉलेज बहुत अच्छा है। इस कॉलेज की सिर्फ जो एक दिक्कत वाली बात मुझे लगती है वो है कि इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आपके पास यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी देन देर इज़ नो डिसएडवांटेज और नो डिसबेनिफिट इन गोइंग दिस। ठीक है, आपको जाना ही चाहिए। उसके बाद है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी आप देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस एट VIT रैंक अमॉन्ग टॉप 4 एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रैंक अमॉन्ग टॉप 8 इन इंडिया। ठीक है, बाकी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ में QS रैंकिंग में आप देख सकते हो, प्लेसमेंट्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रीम ऑफर्स, हाईएस्ट CTC 44 LPA बोल रहे हैं ये लोग, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स है, वो बात तो हमें माननी पड़ेगी, काफ़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ इनका MOU है और बहुत ही उसका एडवांटेज भी मिलता है। कैंपस मैंने सुना है बहुत ही सुंदर है। आगे चलते हैं, BTech एडमिशन फॉर वेल्लोर, चेन्नई, AP, भोपाल कैंपस ऑफ VIT, एलिजिबल कैंडिडेट मे सिलेक्ट स्पेसिफिक कैंपस एंड प्रोग्राम ड्यूरिंग द काउंसलिंग। आपको आप एग्जाम दोगे, जब काउंसलिंग होगा आपका, तब आपको अपनी चॉइस के हिसाब से वो डालना पड़ेगा कि कौन सा आपको कैंपस चाहिए। किस तरह से आपको सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टेप्स टू फॉलो, पहले क्रिएट योर लॉगिन करना पड़ेगा, वेरीफाई मोबाइल, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, पे द फी, अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और फिर आप पूरा काम कर सकते हो। यहाँ पे कैंपस टूर है, यहाँ पे ब्रोशर है, ब्रोशर मैं आपको डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहीं पर ओपन हो गया, चलो वेल एंड गुड। हाँ, आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, एडवांस नॉलेज ट्रांसफॉर्मिंग वेल्लोर, उसके बाद वाला पेज देखते हैं। ओके, थोड़े ज़्यादा ही पेज आएगा इसमें, इससे अच्छा है कि हम बाहर चल के ही देख लेते हैं। बाहर उन लोगों ने सारा प्रोसेस डाल रखा है, देखो आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे दिख रहा होगा, इनकी थोड़ी वेबसाइट इस तरह से बनाई है। आप देख पा रहे होगे, न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा, उसके बाद जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे तब आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट, फोटो, सिग्नेचर अपलोड डाउनलोड करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ऑलमोस्ट सेम एज JEE मेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इसमें नहीं है। आगे डिटेल्स में आते हैं, वो मैं दिखाता हूँ। हाँ, फेक वेबसाइट से आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स इसकी होती हैं ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, ध्यान रखना है इस पर। प्रोग्राम ऑफर्स कौन सी जगह पे, कौन सी प्रोग्राम ऑफर्ड है, वो हमें यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया है कि एरोस्पेस कहाँ है, VIT भोपाल में है, फिर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ है, वेल्लोर में है। तो इस तरह से पूरा डिटेल्स भी यहाँ पे आप गिवन है, आप देख सकते हो कौन सी कॉलेज कहाँ पे है। इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जो बेसिक कोर्सेज होते हैं वो हर जगह अवेलेबल है, उसकी कोई बात नहीं है दिक्कत की। फिर एलिजिबिलिटी में द एप्लीकेंट शुड बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडियन नेशनल, यहाँ पे लिखा है। एज लिमिट यहाँ पे बोल रखा है, द कैंडिडेट हुज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स ऑन और आफ्टर 1st जुलाई, ऑन और आफ्टर बोला है 1st जुलाई 1999, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल है UG एडमिशन के लिए। डेट यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, ठीक है, द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द हाई स्कूल, SSC और 10th सर्टिफिकेट इज ऑथेंटिक, वो माना जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर UG इंजीनियरिंग एडमिशन शुड हैव ईदर कंप्लीटेड और शेल अपियरिंग इन 2021 इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन, मतलब आपने या तो 10th+12 किया हो सकता है, या तो इंटरमीडिएट प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, हाई स्कूल सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन, ये जो डिटेल्स है ये सारी की सारी JEE मेंस वाली हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर होगा। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन,
कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन इन 2021 शुड हैव सिक्योर मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60%। जैसे एनआईटीज आईआईटीज में 75 बोला है इस बार, यहाँ पे बोला है 60% इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज प्लस टू और इंटरमीडिएट जिसे बोलते हैं हम। और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। द एवरेज मार्क ऑब्टेन इन सब्जेक्ट पीसीएम प्लस टू पुट टुगेदर मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% इन कैटेगरीज, कैटेगरीज के लिए 50% है, बाकी नॉर्मल 60% है, ठीक है। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी भी बोल रखा है, क्या क्या सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ पे दिया है। और आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डेट्स के बारे में जानना। डेट्स है हमारा लॉन्च ऑफ वेब एप्लीकेशन 30th नवंबर, लास्ट डेट टू अप्लाई 30th मार्च है। 30th मार्च मतलब आज हो चुका है हमारा दिसंबर, दिसंबर में आज है शायद 23rd, तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है पता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ टाइम है, बाद में भरूंगा, और फिर वो भरना भूल जाता है। इससे अच्छा है कि भर देना चाहिए हमें अभी भी। काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट है वीआईटी के लिए, 30th मार्च है। टेंटेटिव डेट्स बोल रखा है अप्रैल 2nd टू 3rd वीक, और अप्रैल में हमारा एग्जाम जो होगा वो शायद तक 4th वीक में है, तो वहाँ भी क्लैशेस आने के चांसेस कम है। और अगर आप अप्रैल में यहाँ पे दे रहे हो तब आप वहाँ पे मई में भी दे सकते हो, आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। काउंसलिंग डेट मई 1st है, और क्लास कमेंसमेंट बोला है टेंटेटिवली जुलाई 2nd वीक। ये सब टेंटेटिव डेट्स हैं, मतलब ये प्लस और माइनस थोड़ा कुछ हो सकता है। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आपको पता है कहाँ जाना है, आप यहाँ पे जो ब्रोशर मैंने बताया था यहाँ ऊपर, ठीक है, तो वो ब्रोशर में जाके आप पूरी चीज़ दे सकते हो। ये रहा इन्फॉर्मेशन, ब्रोशर में जाके आप आराम से पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डेट्स आई होप आपको याद रह चुकी होगी, वो है 30th मार्च। और रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे करना है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा न्यू यूज़र, आपको कैंडिडेट नेम लिखना है। कैंडिडेट नेम हमेशा याद रखना है कि कैंडिडेट नेम किस हिसाब से होना चाहिए। कैंडिडेट नेम जो 10th की मार्कशीट है उस हिसाब से ही कैंडिडेट नेम यहाँ पे होना चाहिए। कैंडिडेट नेम के बाद आ जाएगा आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वेरिफिकेशन कोड। और ये सब डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और वंस द रजिस्ट्रेशन इज डन आपका क्या काम बच जाएगा, आपको फिर वहाँ पे जाके लॉग इन करना है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके लॉग इन कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो जो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा तब आपकी ईमेल एड्रेस पे एक नंबर आएगा, एप्लीकेशन नंबर या रजिस्टर्ड जो ईमेल एड्रेस है वही एक्चुअली डालना है, और पासवर्ड। तो ये दो चीज़ आप डाल दोगे तो आप लॉगिन कर पाओगे। और जैसे ही आपका लॉगिन होगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फ़ी पे करनी होगी, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, अगर और कोई डॉक्यूमेंट मांगा हो तो वो भी अपलोड करना पड़ेगा, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा डिटेल्स था वीआईटी के बारे में। इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताया, फॉर्म फिल करने से पहले ये बात दिमाग में रख लेना कि इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसकी फी डिटेल्स मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, नो डाउट इन दैट। बट एक चीज़ मुझे पता है कि कॉलेज बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत सुंदर है, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा माना जाता है इस कॉलेज का। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आई विल से कि आपको जाना चाहिए, ये एग्ज़ाम देना चाहिए। और मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, AIEEE या JEE मेंस के लेवल का ही होता है, बहुत ज़्यादा टफ इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। बिटसेट का डेट आई थिंक अभी तक नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं उस पर भी एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिलती रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, सबके साथ शेयर करना है, लाइक भी करना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।